वेलकम बैक टू एनी। तो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ जिसे देख के आप लोगों को मज़ा तो जाने वाला है, लेकिन कुछ लोगों ने उसे देखा भी होगा, कुछ लोगों ने नहीं भी देखा होगा। और पर मैं इतना बता सकता हूँ आप लोगों को मज़ा तो ज़रूर आने वाला है। तो गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो लेट जस्ट बिगिन। तो गाइस, कैमरा ब्लर हो रखा है। गाइस, वो चीज़ है ये 3x3 एरोबिक्स की। अरे भाई, तो स्क्रैम्बल पड़ा है। इसको पहले सॉल्व कर देता हूँ। मैंने इसका ऐसी पैटर्न बना लिया था थोड़ा सा, और उसके बाद अब इसको हम आज स्क्रैम्बल करके सॉल्व करेंगे। तो फिर ये आ गया मेरा टाइमर। मेरे पास वैसे वाला टाइमर नहीं था, तो फिर मैंने ये फ़ोन में टाइमर डाउनलोड कर रखा था। यहाँ पे एल्गोरिदम सारा आ रखी है। नीचे जो वाइट कलर की लाइन दिख रही है आपको, वो एल्गोरिदम से, तो फिर वही एल्गोरिदम मैं इस पर अप्लाई कर रहा हूँ उसको स्क्रैम्बल करने के लिए। तो भाई, इसको स्क्रैम्बल कर देते हैं अच्छे से। डी सारी आती है, और ये मेरे रूबिक्स क्यूब में वाइट की जगह ब्लैक कलर है, तो फिर प्लीज़ उसको इग्नोर कर देना। तो भाई, ये पूरी तरीके से स्क्रैम्बल तो हो चुका है। तो चलो, पहले 15 सेकंड का इंस्पेक्शन टाइम होता है, इंस्पेक्ट कर लेते हैं इसको अच्छे से। और अब ये थोड़ी देर में सॉल्व हो जाएगा। हाँ, तो इसको यहाँ पे रखते हैं, और इनको मैं हाथ रखते हैं इस पर। और टाइमर स्टार्ट हो चुका है, और मैं भी स्टार्ट हो चुका हूँ। तो भाई, सबसे पहले तो मेरे को अपना काम करना है। और ये क्यूब अगर आपको आधा दिख रहा हो तो फिर सॉरी गाइस, क्योंकि थोड़ा कैमरा ऊपर नहीं था, थोड़ा नीचे हो गया कैमरा गलती से। और ये मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, इसलिए आपको आवाज़ थोड़ी सी धीरे आ रही होगी, लेकिन ये यहाँ पे सॉल्व होने ही वाला है। बस ये बन गया एल, एलमोस्ट स्टार्ट। और यहाँ पे येलो का प्लस आ गया, पूरा सॉल्व होने ही वाला है बस। और ये बस ये लास्ट मूव है, और उसके बाद अब ए येलो एक बार और ऐसे ही करना है, और अब ये लास्ट है। और अब ये हो गया सॉल्व पूरे के पूरे, सिर्फ पूरे के पूरे सिर्फ कह रहा हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ 55 सेकेंड्स, मतलब एक मिनट से 5 सेकंड कम। गाइस, मेरा हाईएस्ट रिकॉर्ड तो अभी तक का 43 सेकंड्स का है, लेकिन इस बार टाइम ज़्यादा लग गया। तो गाइस, ये टाइमर को रीसेट कर देते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो फिर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट कर। तो गाइस, और अगर आपको इस रूबिक्स क्यूब को कैसे सॉल्व करते हैं उसका ट्यूटोरियल चाहिए, तो फिर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है। सो गाइस, आज की इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।